नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक है चौथा आम चुनाव 1967। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। एक महत्वपूर्ण आयाम लेकर चले हैं यूपीएससी बीसीएस आरओआरओ परीक्षा के लिए, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण लेक्चर, क्योंकि चौथा आम चुनाव 1967 में डील कर रहे हैं यहाँ पे। इसके पहले हमने मुरारी देसाई को जब हराया इंदिरा गांधी ने, उसके बारे में हमने पढ़ा, शास्त्री जी से इंदिरा तक, नेहरू जी से शास्त्री जी तक। और अब हमारा टॉपिक है चौथे आम चुनाव 1967, जिसमें आधा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं चौथा आम चुनाव 1967। हमने पढ़ा था कि विरोध पर उतर आए लोग और देश में अक्सर क्या होने लगा, बंद और हड़ताल, स्थितियां ऐसी आ गई, आर्थिक विफलता आ गई देश में, तो बंदी और हड़ताल की स्थिति भारत में रहने लगी। लोकसभा के चौथे चुनाव के लिए तैयारी करनी पड़ी इंदिरा गांधी जी को, ये दौर चल रहा था, और सरकार के समक्ष बहुत ही बड़ी चुनौती। और जब ऐसी हालात आ गई कि बंद और हड़ताल की स्थिति आ गई, तो सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मान लिया, न कि जनता की बदहाली की, ऐसा उन्हें लगा ही नहीं कि जनता बदहाल है, समझ रहे हैं, ऐसा उन्हें लगा ही नहीं कि जनता बदहाल है, आर्थिक स्थिति का, जो उन्हें लगा कि विफलता है, कानून और व्यवस्था की समस्या है ये, जब ऐसी गंभीर संकट से देश गुजर रहा था। और इसके कारण लोगों में नाराजगी भी आ गई, जब सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो इसके कारण आम लोगों की, आम जनों की नाराजगी बढ़ गई। और वह का मतलब, और जनता का विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया, जनता के विरोध ने उग्र रूप धारण किया। फिर क्या हुआ, साम्यवादी और समाजवादी, साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर समानता के लिए, सभी लोग एक समान हो, एक समान आय हो, एक समान सुविधाएं मिले, इसके लिए एक संघर्ष छेड़ दिया इन लोगों ने, एक संघर्ष शुरू कर दिया। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए क्या क्या होने लगा, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादी, उनसे अलग हुए साम्यवादी के एक समूह ने, एक बंच जो था उनका, उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, देखिए ये बन गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। साम्यवादी ने क्या किया, कम्युनिस्ट से अलग हो गए और साम्यवादी का एक समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। और क्या करने लगे, वो सशस्त्र, मतलब शस्त्रों का भी प्रयोग करते थे विद्रोह के लिए, सशस्त्र कृषक विद्रोह, किसानों का सशस्त्र, शस्त्र के साथ किसान उतरते थे, सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व करने लगी ये पार्टी। अब ये बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी के सामने, और इसी पार्टी ने
मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? किसानों के बीच विद्रोह, किसानों के बीच विरोध का, विरोध को संगठित किया। किसानों के बीच विरोध को संगठित किया और इस काल में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम, गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो गए। पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था। आजादी के बाद से अब तक 1947 से 1967 तक की बात हो रही है, अब तक इतने गंभीर जो दंगे उस समय हुए थे, उतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। इस प्रकार से चौथा आम चुनाव 1967 हमने सफलतापूर्वक यहां पर समाप्त किया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गैर कांग्रेस हुआ, कांग्रेस से हट के क्या हुआ। कांग्रेस से हट क्या हुआ इसको समझिए। गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस के अलावा जो वाद था, तो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था भारत की आजादी के लिए, लेकिन उसको पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका व्यक्तिगत लाभ भी लोगों ने लिया। काफी अच्छा देश के लिए कल्याणकारी कार्य भी किया, सारी चीजें। तो गैर कांग्रेसवाद क्या था, आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस पर प्रकाश हम डालेंगे। गैर कांग्रेसवाद फिर आया, ऐसी स्थिति से जो स्थिति हमने ऊपर बयां की है, ऐसी स्थिति से देश की, ऐसी स्थिति से देश की दलगत राजनीति, देश की दलगत राजनीति फेल हो गई, से अलग थलग दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। देश की स्थिति जो थी हमारी, ये सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल, जो विपक्ष में दल थे, जो पार्टियां थी राजनीतिक विपक्ष में, जन विरोधों की अनुयायी कर रहे थे, जन विरोधों की अगुवाई कर रहे थे, आगे आगे कि जनता विरोध करती रहे, अगुवाई कर रहे थे ये विपक्षी दल वाले, सरकार पर दबाव और सरकार पर दबाव डाल रहे थे, सरकार पर दबाव डाल रहे थे। बहुत ही गंभीर और विकट परिस्थिति से देश गुजर रहा था। आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए, एक रिवीजन करके फिर देखते हैं आगे। चुनावों का संदर्भ था चौथा आम चुनाव 1967, उसके बाद गैर कांग्रेसवाद हमने पढ़ा। देखिए चौथा आम चुनाव में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति भारत में रहने लगी, तो सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, लेकिन एक्चुअल कारण क्या था कि जनता की बदहाली अभिव्यक्ति, इसीलिए लोगों की नाराजगी बढ़ी और लोगों का विरोध, जन विरोध ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि सरकार तो समझती थी कि कानून व्यवस्था तो फेल है, लेकिन यह आर्थिक व्यवस्था की फेल थी। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया, बहुत ही बड़ा संघर्ष किया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए। अलग हुए कौन? साम्यवादी का एक समूह था मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया
और इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे जो कि 1967 की स्थिति में हुए। इसके बाद गैर कांग्रेसवाद पर चर्चा होती है। ऐसी स्थिति जो थी गंभीर सांप्रदायिक दंगे की, हिंदू मुस्लिम दंगे की, और जो विफल था हमारा देश आर्थिक स्तर पर, तो ऐसी स्थिति से देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी ये स्थिति देश की। और इसमें क्या कर रहे थे, विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। सरकार विफलता की तरफ बढ़ रही है। इस तरीके से आज का हमने यह लेक्चर दिया आपको। रोज हम थोड़ा थोड़ा लेक्चर देते रहेंगे, रोज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी तरीके से आप बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल पर। हम छोटा ही सही लेकिन लेक्चर जरूर आते हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, आज के गूगल पैनल में हमने देखा है एक खबर, आज जो एक लोक सेवा आयोग की खबर आई है बहुत अच्छी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए हमने देखा था गूगल पेज पे, उसमें मिनिमम एज हो गई है महाराष्ट्र वालों के लिए। मिनिमम एज जो है 19 ईयर्स कर दी गई 19 साल के बच्चे भर सकते हैं विशेष माह। तो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की उम्र हो गई 19 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो एज करने का विचार हो रहा है 38 ईयर्स। कितना? 38 ईयर्स या 39 ईयर्स, इसी के बीच में होगा। 38 तो कंफर्म है। तो 19 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स तक का ये प्रोजेक्ट बना है कि एमपीएससी में एज रहे। ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग है, एमपी का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अपनी मैक्सिमम एज कर दी है 38 इयर्स और मिनिमम एज कर दी है 19 इयर्स। अब बात कर लें एमपीपीसीएस की। देखिए, एमपीपीसीएस की जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो अभी एसीएफ की पोस्ट की मैक्सिमम एज है 14 इयर्स, लेकिन मुझे लगता है इसको 28 इयर्स करने की बात चल रही है। 2024 का जो फॉर्म आएगा, अभी देखिए दिसंबर में ही फॉर्म आएगा, अब आ जाएगा फॉर्म, दिसंबर लास्ट वीक में ये फॉर्म आ जाएगा। और इसकी एग्जामिनेशन कब है, एमपीपीसीएस प्री के एग्जाम जो है 28 अप्रैल 2024 को एमपीपीसीएस का एग्जाम। इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम होते हैं जिसमें GS1 का पेपर, दूसरे सेटिंग में सी सेट आता है 200 नंबर का, 2-2 घंटे का पेपर होता है, सुबह 9:30 से 10 से 12 पेपर 10 से 12, और फिर अगला पेपर 2:15 से 4:15 होता है। एमपीपीसीएस क्या क्या होता है, 10 AM से 12 PM तक, और फिर 2:15 PM से लेके 4:15 PM तक सेकंड सीटिंग होती है सी सेट, और फर्स्ट सीटिंग होती है जीएस। तो एमपीपीसीएस के जो विद्यार्थी हैं अपनी कमर कस लें, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, यूपी का, आरओएआरओ का जो एग्जाम है वो देखिए 11th of February को है 2024, इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसके भी 2 सिटिंग में एग्जाम होते हैं, 2 घंटे का जीएस का पेपर होता है और हिंदी का, जनरल हिंदी का पेपर होता है 1 घंटे का। जनरल हिंदी में 60 क्वेश्चन, जीएस में 140 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का ये होता है एग्जामिनेशन। यूपी पुलिस में भी 18 से 22 साल तक के बच्चे सिपाही के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 36,000 वैकेंसी आई है और 9,000 महिला की भी वैकेंसी आएगी, शायद इसी में इंक्लूड कर लिए होंगे। तो
इस तरीके से आप विद्यार्थियों ये भर्ती और संबंधी जानकारी आपको प्राप्त हुई और हायर जुडिशियल सर्विसेज के 85 पोस्ट आए हैं 35 ईयर से 45 ईयर के बीच में जो भी एडवोकेट हैं जिनकी मिनिमम प्रैक्टिस कम से कम 7 साल है और मेरे ख्याल से कुछ केसेस भी शायद आप अगर हर साल एक केस भी लड़े होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं HGS के लिए हायर जुडिशियल सर्विसेज इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में ये वैकेंसी आई है टोटल 85 पोस्ट है HGS के नाम से तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखिए नया जो कानून बिल आया है उस पर जो नए वेयर एक्ट्स आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम लेक्चर भी चलाएंगे जो डीसी एपीओ के एपीओ के भी फॉर्म जल्दी आने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट हैं एपीओ के असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर 2023 एग्जाम के वो याद रखें कि एपीओ की वैकेंसी आने वाली है पिछली बार 44 पोस्ट आई थी इस बार देखिए कितनी पोस्ट आती है बट कुछ बढ़ के आएगी एपीओ के जो एस्पिरेंट हैं यूपी एपीओ के वो जुडिशरी के तैयार हो जाए और बहुत ही जल्द आपका ऑल इंडिया बार काउंसिल का रिजल्ट भी आने वाला है ये आपका जनवरी 2024 में आएगा तो ये रही अपडेट बने रहिए जमे रहिए स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल हमारा गोल है स्टडी सिलेक्शन तक विद्यार्थियों के साथ हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटिशन रहता है आज का लेक्चर यहीं तक अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष जल्द हाजिर होगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें